दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये 75 साल हुए हमारी आज़ादी के, इसके उपलक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी रेलगाड़ी चलाई गई। ये मालगाड़ी थी और इस रेलगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। ये रेलगाड़ी इतनी लंबी है, इसकी लंबाई जो है वो 3.5 किलोमीटर है। इस मालगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसमें 6 इंजन लगे हुए हैं, रेलवे के 6 इंजन लगे हुए हैं। और इसमें जो रैक हैं, जो डिब्बे हैं, वो 295 डिब्बे हैं। ये रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ के कोरबा से चलाई गई और नागपुर के राजनंदगांव तक चलाई गई। इसके बीच की दूरी 267 किलोमीटर है, 267 किलोमीटर। और इस रेलगाड़ी ने इसको 11 घंटे में पूरा किया। दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। इसका उद्देश्य जो है वो कोयले की ढुलाई के लिए जो इस उपयोग में आने वाली है। आपको बताते चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो रेलवे लाइन तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है जो मास्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, लेकिन जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की जो रेलगाड़ी है वो 7 किलोमीटर 350 मीटर लंबी है। 7 हज़ार 350 मीटर लंबी है, मतलब भारतीय रेल से ठीक 2 गुना, 7.5 किलोमीटर लंबी है, उससे भी ज़्यादा। तो ये दोस्तों नया अपडेट था जो आपको मैंने दिया कि भारत की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, उसका नाम है सुपर वासुकी। और ये कोरबा से राजनंदगांव के बीच में चलाई गई। इसमें 6 इंजन हैं और 295 डिब्बे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।